क्या कांग्रेस ने वाराणसी से अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है? तो क्या वाराणसी से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना करीब करीब तय है? लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस कायम है। हालांकि अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, लेकिन इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से राहुल गांधी से लेकर पार्टी तक परहेज कर रही है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इसको लेकर जारी सस्पेंस खत्म होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने वाराणसी सीट अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक काशी से चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी ने हामी भर दी है, लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी को करना है। इतना ही नहीं, प्रियंका को भी पीएम मोदी के साथ दो दो हाथ करने से कोई परहेज नहीं है। प्रियंका को इस बात की भी परवाह नहीं कि वाराणसी के क्या परिणाम होंगे। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने ये संकेत दिए थे कि हम इस मामले में आपको थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहते हैं। ऐसे में लगता है कि अब वो सस्पेंस खत्म होने वाला है। हाल ही में प्रियंका गांधी से काशी से चुनाव लड़ने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं तैयार हूँ। इतना ही नहीं, राहुल से जब सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या उनकी बहन प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप खुद अंदाजा लगाइए, अंदाजा हमेशा गलत नहीं होता। जब राहुल गांधी से फिर पूछा गया कि आप इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ना इसकी पुष्टि कर रहा हूं और ना ही इनकार कर रहा हूं। इससे पहले भी प्रियंका के चुनाव लड़ने की बात उठ चुकी है, लेकिन तब नाम रायबरेली सीट का आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर सोनिया की तबीयत ठीक नहीं होती तो प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी, लेकिन अब सोनिया गांधी रायबरेली से पर्चा भर चुकी है। इसके बाद प्रियंका को अब कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है और पूर्वी यूपी की कमान दी गई। तो ये अटकलें एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन इस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने खुलकर बोलने से परहेज ही किया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रियंका के काशी से चुनाव लड़ने पर जारी सस्पेंस कब खत्म होता है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।